हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वालों की जो भी जनवरी इन 2024 टू में यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव एक और बार लेके आ चुका हूँ और भी वीडियोस के यहाँ पे आता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ये कॉन्टेंट देखने के बाद ठीक है तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट टू थाउजेंड इनटेक में आने वाले तो इनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है और मैंने वीडियोज भी डालना स्टार्ट कर दिए तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया क्योंकि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हो ठीक है तो बहुत सारे ड्रीम्स लेके आते हो यहाँ पे और आपको यहाँ पे आपके पास एक आ, सबसे बड़ा एम होता है कि अपनी यूनिवर्सिटी अच्छे से फोकस से करना है और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपनी फीस और अपनी जो लोन और आपने जितने भी किसी से बोरो करके जो मनी हमने लेके के आए यहाँ पे और इन्वेस्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी में उसको हम वापस कैसे चुकाएँ और उसको वापस कैसे अर्न करें तो बिना किसी देर के मैं अपना टेन मंथ का स्ट्रैटेजी बताऊंगा यहां पे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा एज अ ब्रदर मैं बताऊंगा आपको तो कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया ठीक है जो भी जनवरी इंटेक में आ रहे हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनके क्योंकि आ, हमें बहुत एक मैसिव हॉलीडेस मिलता है उसमें बताऊंगा कि उसको अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है और ईस्टर की हॉलीडे को यूटिलाइज़ कैसे कर करना है और आपको क्योंकि जनवरी इंटेक वालों को हॉलीडेज बहुत मिलते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक, 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 एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं जैसे कि मैं बेपुल यहाँ पे अपना मास्टर्स करने आया था डेटा साइंस में तो मेरी फीस लगी थी फोटीन पाउंड ठीक है फोटीन जन पाउंड मेरी फीस लगी थी यहाँ पे तो मेरे आने से पहले जो प्रोसीजर हो रहा था उसमें ऑफर लेटर में और कैश में, में मेंशन किया गया था कि यहाँ पे आने से पहले आपको अपनी हाफ फीस भरनी पड़ेगी हाफ फीस कितना अगर 40000 का मैं हाफ करूँगा तो 7000 पाउंड्स आपका ऐसे होगा ठीक है तो 7000 पाउंड में अपना पे करके आया था और 7000 पाउंड्स मेरे को यहां पे आके अपना पे करना था तो हुआ क्या मैं यहाँ पे आया तो एक एम लेके आया था कि हाँ यार मेरे को यहाँ पे अपना और वो भी सेवन थाउजेंड पाउंड यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता लगा कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो सेवन थाउजेंड पाउंड्स दो इंस्टॉलमेंट पे मेनली लेती है उनका प्रोसीजर रहता है पर अगर आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आपको फीस भरने को मिल जाएगा ठीक है तो मेरा मेरा एम था कि दो इंस्टॉलमेंट में दो बड़े बड़े इंस्टॉलमेंट पे सेवन थाउजेंड पाउंडस का हाफ करे तो सर थर्टी फाइव हंड्रेड पाउंड्स और थर्टी फाइव हंड्रेड्स पाउंड मेरे को पे करने का मेन आया था और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे उनका भी ऐसा ही मेल आया था ठीक है तो सबसे पहले एम हमने जनवरी एन में अपनी मास्टर स्टार्ट की ठीक है मेरा ट्वेंटी वन से क्लास स्टार्ट, स्टार्टेड हो गया मैं लकी था कि मेरे को आते ही यहाँ पे जॉब मिल गया था तो मेरे सोर्स ऑफ इनकम मतलब मेरी आ, मेरे को पैसे आने लगे थे पाउंड्स आने लगे थे अब यहाँ पर सीनियरी होता था, था कि, कि किसी को एक महीने बाद मिले किसी को डेढ़ महीने बाद मिले पर यहाँ पे यार आते आते किसी को मिल भी जाती है किसी को नहीं मिलती पार्ट टाइम जॉब पर मैक्सिमम एक या डेढ़ महीने में चाहे कितना ही बंदा हो यहाँ पे जॉब्स तो मिल ही जाती है यार देखो यूके में आने के बाद एक जॉब पाना एक बहुत सीक्रेट वाली बात है ठीक है यहाँ पे आने के बाद सबको जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वो कुछ कुछ चीजें बोलने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो मेरी एक वीडियो ये देख लेना मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको अपना रेज्यूमे बनाना पड़ता है और कुछ कुछ चीज़ वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है ठीक है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कंपनी होती है वो आपसे इंप्रेस होती है तो वो जो चीज़ें देखती हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू पर कॉल आता है और आप फाइनली आपको जॉब मिल जाती है तो सबसे मेन बात है वो वीडियो जाके देख लेना आपको बहुत हेल्पफुल होगा चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं ठीक है तो मेरा मेरा जॉब मिल गया था उसके बाद जो मेरा मोटा मोटा खर्चा जो यहाँ पे होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो क्या होता है कि आपका फीस हो गया ठीक है उसके बाद आपका खर्चा क्या होता है मैं महीन, महीने का खर्चा होता है आपका सबसे ब्रॉडली आपका एकॉमोडेशन हो गया ठीक है उसके बाद आपका राशन और ग्रोसरी हो गया और उसके बाद थोड़े बहुत आपके बिल्स हो गए ठीक है ये मोटा मोटा खर्चा था और उसके बाद अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आप कहीं जिम जा रहे हैं या और कुछ जा रहे हैं तो उसका आप ऊपर से जोड़ सकते हैं तो मैं अपना इंडिविजअल बता रहा हूँ जब मैं यहाँ पे आया था तो हम लोग को एक अकोमोडेशन मिला था जो प्राइवेट अकोमोडेशन था उसमें हम लोग थ्री से फोर हम लोग को बिल्स इंक्लूड थे मेरा बिल आता था और ऐसे हम लोग उसके बाद मैंने जो और जो बाकी एक दो खर्चे हैं वो महीने के बता रहा हूँ साढ़े चार सौ से साढ़े चार सौ मेरा मैक्सिमम खर्चा मेरा हो जाता था उसके बाद सेविंग्स से मेरी कितनी बचती थी या देखो उस टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो नाइन पॉइंट फाइव पर आवर वेज यहाँ पे चलते थे चलो एक बेसिक कैलकुलेशन लेके हम लोग चलते हैं जैसे मान लो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल गया तो टेन पॉइंट फोर टू अभी नेशनल यहाँ पे नेशनल वेज है ठीक है तो टेन हम मान के चलते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए तो आप मिनिमम यहाँ पे एक वीक का अगर ट्वेंटी आवर्स टर्म टाइम में काम करते हैं तो टू हंड्रेड आवर्स कमा टू हंड्रेड कमा सकते हैं और उसके बाद आपको एक महीने कैलकुलेट करो तो आप आराम से 800 पाउंड तो कमा लेते हो ठीक है तो मैं मेरे को जब टर्म टाइम के जब टर्म टाइम होता है उस टाइम आपके ज़्यादा मतलब अर्निंग्स नहीं हो पाती क्योंकि ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो और उसके बाद आप ट्वेंटी आवर्स ही काम कर रहे हो ठीक है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाती है पर मेन यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो आता है ईस्टर हॉलीडेज और जो हम जनवरी एंड वालों को जो पाँच महीने का जो बड़ा हॉलीडे मिलता है ठीक है तो मैं बताना चाहूंगा जब मेरे को ईस्टर हॉलीडे का मिला तो ईस्टर हॉलीडे के पहले वीक में ठीक है फोर या फाइव अप्रैल अप्रैल फोर और फाइव को हम लोग का हॉलीडे हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जब और हम लोग का हॉलीडे कब तक चला रहा ट्वेंटी एट अप्रैल तक वो हॉलीडे चला और ट्वेंटी नाइन और थर्टी को छुट्टियाँ थी और फर्स्ट ऑफ मे से हम लोग का फिर से क्लासेस स्टार्ट हो गया पर वो असाइनमेंट टाइप का ही था कि हमें हम लोग को अपना असाइनमेंट्स देना था तो ये कर दिया और उसके बाद मे के दूसरे वीक से हमारी छुट्टी हो गई तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 25 तक हमारे यूनिवर्सिटी नहीं बनते तो ये टोटल के टोटल पाँच महीने होते हैं और ये पाँच महीने ही आपके पूरा वेस्ट करते हैं आपके यहाँ पे मेन ही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फ़ीस निकालने में ठीक है अब कैसे हुआ था मे में हमारे 3500 पाउंड्स के हमारा पहला इंस्टॉलमेंट हुआ और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ जैसे मान लो कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपको 3500 पाउंड्स आपको देने हैं ठीक है थीके? तो मान लो अगर आपके पाँच पाउंड अगर कम पड़ जाता है डेफिशेंट में पड़ जाता है अगर आपने थ्री पाउंड्स भी दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाला जाएगा या और वार्निंग लेटर मिल जाएगा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था ठीक है तो याद रखना कि अगर थोड़ा तो तो आगे पीछे भी चलता है तो यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो ये पाँच महीने में मैंने फुल टाइम किया फ़ोर्टी आवर्स किया कभी कभी फोर्टी आवर्स किया मेरे पास अभी प्ले पे स्लिप नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कैफेटेरिया में अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर मेरे पास पे स्लिप होता तो मैं आपको पे स्लिप विथ प्रूफ दिखाता है पे कि मेरे को अर्निंग्स क्या क्या हो रही हैं फोर्टी आवर्स से फोर्टी आवर्स मैक्सिमम मैं काम करता था ठीक है किस किसी महीने में भी एक्सीड हुए हैं फोर्टी फाइव आवर्स ऊपर वही एक आध बार हुए उससे ज़्यादा कभी नहीं हुए तो मेरे फोर्टी आवर्स का रोटा बनता था ठीक है और हाफ ए हाफ एन आवर हमें ब्रेक मिल जाता तो हाफ़ एन आवर पेड नहीं होता ठीक है मेरी कंपनी उसके लिए पेड नहीं करती थी तो मेरा ये सीन था कि फ़ोर्टी आवर्स का रोटा तो बन गया पर मैं पाँच दिन काम करता था तो हाफ़ एन आवर हाफ़ एन आवर भी निकाल लो तो मेरे पे थर्टी सेवन आवर्स का रोटा बनता था ठीक है तो वीक का मेरे को मतलब पाउंड मेरे से बन जाता तो तो आठ सौ के करीब बन जाता तो ऐसे मैंने मेरा वीक का आठ सौ okay. दो वीक का 800, मेरे हम की सैलरी सिस्टम जा हम का पैटर्न कैसा को सैलरी मिलती थी तो तो ठीक है महीने में दो बार सैलरी मिलती थी हम लोग को तो आठ और आठ मतलब सोलह पाउंड ये तो यहाँ पे ही हो गया तो इसमें से मेरा पांच मोटा मोटा खर्चा रहता था, था तो मेरा आराम से मेरा ग्यारह पाउंड बच जाता था तो मैंने ये पांच महीने में अच्छे से फीस निकाल लिया आ, और सक्सेसफुली फीस निकालनी है बस ये करना है कि जो अब आप, आप फीस के लिए डेडिकेटेड हो तो आपको एक एम करना है कि भाई आपका मेन फोकस है पहले फीस उसके बाद यहाँ पे आप मस्ती मजाक करो सेम मेरा ऐसा था कि मैं जब यहाँ पे आया था तो हाँ यार फीस है और यूनिवर्सिटीज है ठीक है यूनिवर्सिटी में भी आपको उतना ही ध्यान देना है देखो एक मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ ठीक है अगर आप यूनिवर्सिटी जाओगे ही नहीं तो आपको बिल्कुल मन नहीं लगेगा पर अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाओगे तो भाई आपका मन ऐसा लगेगा बहुत अच्छा मन लगेगा आपका काफी फोकस होगे और आप काफी हाई थिंकिंग पे रहोगे तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब मैं बर्गर किंग में यहाँ पे काम करता हूँ मैं एक और आपको बात बताता हूँ मैं जब यहाँ पे बर्गर किंग में काम करता हूँ तो जो बाकी यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो पता है क्या बोलते हैं क्या यू स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ठीक है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हो अभी यूपी की यूनिवर्सिटी आ रहे हो ठीक है यहाँ की यूनिवर्सिटी काफी मान्यता है अगर आप अच्छे से अपना कोर्स कर लो और आपको अपने नॉलेज है तो पांच महीने की आप पॉलिटिक्स में अगर आपने अच्छे से काम कर लिया और अच्छे से फीस निकाल दिया तो आपका बर्डन कम हो जाता है और आप काफी फोकस कर पाते हो अपनी यूनिवर्सिटी पे क्योंकि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम है ठीक है सेम ऐसा ही हुआ था मैं काफी आके यहाँ पे स्ट्रेस आउट था पर यहाँ पे आके जब मैंने फीस अपनी निकाली है ठीक है तो काफी बर्डन मेरे से कम हुआ है तो अगर अब मुझे लग रहा है कि हाँ यार मेरे को सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी आवर्स ही जरूरी है क्योंकि मेरा भी मेन फोकस क्या है मेरे को यूनिवर्सिटी अच्छे नंबर से पास करना है और मेरे को अच्छा एक होने के बाद जॉब पे सिक्योर करना है ये सबसे बड़ा एम है और मैं करके रहूंगा ठीक है अगर ऐसा आपने एटीट्यूड से बना के लेके आए तो हंड्रेड एंड परसेंट यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलेगी ठीक क्यों है क्योंकि यहाँ की कंपनीज आपको हाईली स्किल बंदे ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयर चाहिए तो आप समझ सकते हो अगर आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस है ठीक है तो यहाँ पे आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा ठीक है आप लंदन जाओ लिवरपूल जाओ मैनचेस्टर जाओ यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज है कार्डिस छोटी छोटी सी जगह है पर जो बाकी यहाँ पे है वो काफी बड़े बड़े सिटीज है वहां पे बहुत सारे भर भर के एम्प्लॉयज बड़े एम्प्लॉयर बड़े खड़े हैं और उसके बाद एक और ट्विस्ट बताता हूँ जाते जाते ठीक है वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं आपको एक दिसंबर की जो क्रिसमस हॉलीडे और न्यू ईयर का हॉलीडे वहाँ पे भी आपको 20 या 25 दिन का हॉलीडे मिलेगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंसेस निकल जाते हैं ठीक है थीके? तो जनवरी इनटेक की मेरे को ये सबसे अच्छी बात लगती है ठीक है कि जो भी जनवरी इनटेक में आते हैं तो आराम से यहाँ पर फीस निकल जाती है तो आई होप मैंने जो भी मैंने बताया आपको ठीक है मैंने अपना पे स्लिप नहीं दिखाया पर मैंने आपको बता दिया कि फीस कैसे निकालनी है ये पांच महीने में आप फुल टाइम कर सकते हो ठीक है तो फोर्टी आवर्स के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके ये बता दिया कि मेरे कितने बंदे थे जब मैं मिनिमम आवर्स पे यहाँ पे काम करता था तो आई होप मैंने ये अच्छे से वीडियो डिलीवर किया और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मैं आपको वीडियो में आंसर करूँगा कमेंट करके आंसर करूंगा और जो सबसे लाइक वाले हो होंगे उनको मैं शाउटआउट भी दूंगा तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो जो भी दोस्त यहाँ पर अगले इनटेक में आने वाला है और अगर लगे रहो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहूँगा तो थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए जय श्री राम मिलते हैं अगले वीडियो में